हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा ये कई साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। जैसे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो, बेकिंग पाउडर यानी खाने का सोडा का रासायनिक नाम एवं अणु सूत्र क्या है, इसके बनाने की विधि एवं दो भौतिक गुण तथा दो रासायनिक गुण लिखिए, ये क्वेश्चन है। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज, एक बार क्वेश्चन मैं और पढ़ देता हूँ, आप लोग देख सकते हो। बेकिंग पाउडर यानी खाने का सोडा का रासायनिक नाम एवं अणु सूत्र क्या है, इसके बनाने की विधि एवं दो भौतिक गुण तथा दो रासायनिक गुण लिखिए, ओके, ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसका आंसर आप लोग लिखोगे कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट है। जी हाँ गाइस, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो आप जो कहिए, तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है, तथा इसका अणु सूत्र NaHCO3 है, ठीक है। देखिए, जो आप घरों में यूज करते हैं खाने वाला सोडा, उसी सोडा की बात की जा रही है, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक, उसी को हम अब बेकिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट तथा अणु सूत्र NaHCO3 है, ठीक है, और इसका साधारण नाम खाने का सोडा है, ओके। तो चलिए, अब इसके आगे चलते हैं, इसकी बनाने की विधि देख लेते हैं। जैसे कि इसका सेकंड क्वेश्चन था कि इसके बनाने की विधि लिखिए, ठीक है। तो चलिए, बनाने की विधि क्या है, तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या होता है कि सांद्र विलयन में, ठीक है, अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। यानी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले, या सोडियम बाई कार्बोनेट, ओके। तो देखिए कैसे ये अभिक्रिया आप लोग देख सकते हो, ओके, देखो, जैसे NaOH है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं NaOH को, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, और ये CO2 यानी ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसको हम क्रिया कराते हैं तो Na2CO3, ठीक है, यानी सोडियम कार्बोनेट और जल बनता है। और जब इसी को फिर हम क्या करते हैं कि एक बार और CO2 इसमें प्रवाहित करते हैं, क्योंकि देखिए दो बार CO2 प्रवाहित इसलिए करते हैं क्योंकि अधिक मात्रा में CO2, जैसे हमने पढ़ा, ठीक है, तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस इसमें फिर ये जो हमने ये प्राप्त हुआ प्रोडक्ट, इसमें फिर एक बार CO2 प्रवाहित करते हैं, तो हम लोग को 2NaHCO3 यानी वही NaHCO3, ये 2 यानी ये इसको संतुलित किया गया समीकरण को, इसलिए आगे 2 लगा है, ओके। तो देखिए, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो नीचे भौतिक गुण, ठीक है, देखिए फर्स्ट में, और जो दो भौतिक गुण और दो रासायनिक गुण का रहे तो हम लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो भौतिक गुण है, यह सफ़ेद क्रिस्टलीय जल, ठीक है, यह सफ़ेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलेय पदार्थ है, ओके, यह सफ़ेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलेय पदार्थ है, ये हम लोग का फर्स्ट इसका गुण हो गया, ठीक है, भौतिक गुण। और सेकंड क्या है कि इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। जी हाँ गाइस, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, यानी इसका pH मान 7 से कम होता है, आप लोग याद रखिएगा, ओके। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि खाने वाले सोडे का pH मान कितना होता है, तो आप लोग लिखिएगा हमेशा 7 से कम, क्योंकि 7 से कम, देखिए इसलिए क्योंकि यह अम्लीय होता है, ओके, इसका विलयन अम्लीय होता है, ओके। तो ये दो भौतिक गुण हो गए। चलिए, अब दो इसके रासायनिक गुण देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो नीचे, इसके रासायनिक गुण मैंने लिखा हुआ है। तो देखियो, इसको रासायनिक गुण में आप लोग फर्स्ट लिखोगे कि इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ओके, जैसा कि हमने ऊपर देखा, ठीक है, सॉरी, ऊपर हमने नहीं देखा, ये अभिक्रिया नहीं देखा। इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। जी हाँ गाइस, जब हम NaHCO3 को तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा, सोडियम बाई कार्बोन सॉरी सोडियम कार्बोनेट में, जल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ओके। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए,
अगला इसका जो सेकेंड गुण है, जो रासायनिक गुण है, वो आप लोग देख सकते हो, यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। जी हाँ गाइज, आप लोग याद रखिएगा कि सोडियम बाई कार्बोनेट क्या होता है कि यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो ये हो गए इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इसका अणु सूत्र, जो भी इसमें हमने सारा चीज क्या क्या देखा, मैं एक बार और एनालिसिस कर देता हूँ। देखिए इस वीडियो में हमने देखा बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणु सूत्र, इसके बनाने की विधि, इसके दो भौतिक गुण और दो रासायनिक गुण। तो ये चीज़ें हमने देखा बेकिंग पाउडर यानी खाने वाले सोडे के बारे में। तो ये देखिए किसी एक क्वेश्चन में ये सभी की सभी इसका ये गुण पूछ देता है, या कोई मतलब एक पार्टिकुलर ऐसे पूछता है कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम एवं अणु सूत्र क्या है, बस इतना भी पूछता है, या बेकिंग पाउडर के भौतिक गुण लिखिए, ये इतना भी इस तरह करके भी पूछ देता है। तो आप इस पूरे इस क्वेश्चन का मैंने जितना इसमें सभी चीज़ें बेकिंग पाउडर से रिलेटेड शामिल कर दिए, आप सबको याद कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो थैंक यू।